जुनवानी स्थित श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज मैदान स्थित श्री अंजनेय हनुमान मंदिर के बगल में देश के प्रसिद्ध कथावाचक एवं सरस भजन गायक प्रेम मूर्ति प्रेम भूषण महाराज जी 9 दिवसीय श्री राम कथा सुनाएंगे। मेडिकल कॉलेज मैदान में 27 अप्रैल से 4 जून तक श्रोता श्री राम कथा का रसमान करेंगे। कथा एवं भजन कार्यक्रम में जुटने वाली भीड़ को देखते हुए हर रोज 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में आईपी मिश्रा ने 27 मई से शुरू हो रहे श्री राम कथा की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2020-21 में मानवता के ऊपर एक बड़ा संकट कोरोना महामारी के रूप में आया था, जिससे समस्त मानव जाति काफी डरी हुई थी एवं परम शक्तिमान ईश्वर की ओर बड़ी आशा एवं विश्वास से इस महामारी से रक्षा हेतु प्रार्थना भी कर रही थी। इस समय श्री संकट मोचन हनुमान जी की ओर सभी लोग पूजन एवं मनौती के माध्यम से रक्षा हेतु प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे चिकित्सकों एवं अन्य कार्यरत कर्मचारियों द्वारा इस संकट के निदान हेतु अथक प्रयास कर मानवता की सेवा की गई। बहुत से लोग इस त्रासदी में हर संभव प्रयास के बाद भी काल को समा गए। इस पृष्ठभूमि में हमारे मेडिकल कॉलेज परिसर में श्री अंजनेय हनुमान मंदिर की स्थापना की गई और इस मंदिर की स्थापना से आम भक्त जन को अत्यंत आत्मिक बल भी प्राप्त होता रहा है। इसी कड़ी में अंजनेय हनुमान के आराध्य प्रभु श्री राम जी की कथा का आयोजन श्री अंजनेय हनुमान मंदिर के समीप मैदान में किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने इस प्रकार की जानकारी न्यूज टीम को दी। इसकी जानकारी ऐसी है कि 27 तारीख को 3:30 बजे प्रारंभ होगा और 7 बजे और ये कंटिन्यू रहेगा। चार इतने अलग अलग है, जैसे पहले दिन शिव विवाह है, फिर भगवान राम का विवाह है, फिर भाव है, इसके बाद राज्याभिषेक अलग अलग स्थापित पूरा रामायण 9 दिन तक समाप्त कर दिया जाए। मैं चाहें पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को कोई संकट न हो। जो नीचे डोम लगा हुआ है, मान लीजिए पानी बरसता है तो डोम टाइम का ही लगाया जा रहा है, आप देख भी सकते हैं। और बाकी जो प्रबंध ने बताया है कि लोगों को पानी के लिए व्यवस्था रखी गई है, खाने के लिए वो सारी व्यवस्थाएं नहीं। इसका मेरे लोग आज आकलन कर रहे हैं, जैसे एक अभी महानुभाव बता रहे थे ड्राइव के लिए कुर्सी पारा में, कुर्सी पार में लगाएंगे सेक्टर को हनुमान मंदिर के पास रहेगा और बाकी दो तीन जगह और हम लोग लोकेट कर देते हैं, हम मशीन लगा देंगे उसमें पैनल लगा रहेगा। नहीं मौसम और श्रद्धालु एक साथ बैठ गए, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसा है कि मौसम एक बार तो आ नहीं रहा, पहली बार जीवन हमारे जीवन में तीन मौसम हमेशा आते हैं। इतनी व्यवस्था की जा सकती है, जैसे पानी मान लीजिए पड़ गया तो हमने ड्रोन साइड बनाया हुआ, पानी कितना भी पानी पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसमें बैठ सकते हैं। धूप है उसके लिए हमने इसीलिए कथा को 3:30-4 बजे से शुरू किया, तो उस समय वो नहीं रहता है। और तीसरी चीज है कि कूलर से वहाँ पे कूलर से लगे रहेंगे बड़े बड़े। आइए मैं शहर वासियों से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ये बहुत ही दुर्लभ प्रवचन है। एक बार आज से कई बार पूर्व इनका प्रवचन लोगों ने किया था लेकिन वो कैंसिल हो गया। इसका रूप यहाँ के श्रवणकर्ताओं को भी है और उनको भी, इसलिए उनकी मनोकामना को पूरा करने के लिए मैंने ये आयोजन का आयोजन किया है। तो मैं अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो लोग ज़्यादा ज़्यादा तालाब में आए। ये कोई हमारा न राजनीतिक न किसी तरीके का कोई प्रवचन है, इसको विशुद्ध रामायण की कथा है, राम कथा है और विशुद्ध रूप से लोगों को आना चाहिए। यही जरूर काम मेरी पत्नी करती है, गलत बोलती है। पत्नी का पुण्य जो है पति को नहीं मिलता और पति का पुण्य जो है पुत्री बच्चन का सावधान करना चाहता हूँ कि आप गलत रहने में खुश रहें। साफ बहरहाल आयोजित इस भव्य श्री राम कथा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।